हेलो दोस्तों, मैं जोजुशु ले आई हूँ आप सभी के लिए वन नाइट विद माय शेयरिंग के सीजन 2 का लास्ट पार्ट। हाँ दोस्तों, ये पार्ट लास्ट होने वाला है, तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। चिंचाओ जो अभी भाग रही थी, बोलते हुए मेरे भैया नहीं रहे, मेरे भैया चले गए। और वेन चिंचाओ के पीछे भाग रहा था, बोलते हुए बच्चा रुक जाओ, भैया की बात सुन लो। अब चिंचाओ भागते हुए वही हॉल में पहुंच जाती है जहां सभी थे। झाओ जो एक टेबल पर बैठा हुआ था, जिन थोड़ा सा दूर खड़ा था, युआन वोशी एक साथी थे, बाई खड़ा था। अभी चिंचाओ दौड़ती हुई सीधे ही बाई को हक कर लेती है। अभी चिंचाओ बाई के कमर को हक की थी, बाई चिंचाओ को पकड़ लेता है। अभी चिंचाओ रो रही थी, बाई हैरान परेशान हो जाता है, चिंचाओ के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए पूछता है, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? चिंचाओ रोते हुए बोलती है, बाई भाई, ये मेरे भाई नहीं है ना, मेरे भैया मुझे छोड़कर जा चुके हैं ना। बाई बोलता है, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, भैया तो आपके पास ही है ना। वेन भैया वही पहुंच गया था और चिंचाओ और बाई को देख रहा था। चिंचाओ बाई के हाथों को झटक देती है और बोलती है, आप झूठ बोल रहे हैं। बाई भाई कि भैया ये मेरे भैया नहीं है, भैया खिलौने लाने गए थे, पर ये मेरे भैया है ही नहीं, भैया तो जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। फिर चिंचाओ वैन की ओर इशारा करती है और बोलती है, ये मेरे भैया नहीं है, उनकी मौत हो गई है ना। बाई चिंचाओ के फेस को छूता है और बोलता है, नहीं बच्चा, ये भैया ही है। चिंचाओ दूर हटती है और बोलती है, नहीं है ये मेरे भैया, मैंने इनको और आईने के अंदर भैया को बात करते सुना, मेरे भैया है ही नहीं। बाई समझ जाता है अब चिंचाओ से सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। बाई बोलता है, हाँ चिंचाओ बेटा, ये तुम्हारे भैया नहीं है, ये वेन के सिंह है, तुम्हारे भैया तो कब का जा चुके हैं। वेन तुरंत ही पास आता है और बोलता है, ये क्या कह रहे हो ये बाई, मैं मेरी चिंचाओ का भाई ही हूँ, मैं कोई वेनके सिंह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी चिंचाओ का भाई हूँ, मैं कोई वेनके सिंह नहीं हूँ। चिंचाओ रोती है और बोलती है, नहीं हो आप मेरे भैया ऐसे कभी नहीं थे, मेरे भैया कभी किसी को हर्ट नहीं करते थे, आप मेरे भैया हो ही नहीं सकते। इस वक्त पर वेन की आँखों से आंसू बह जाते हैं। छाऊ जो इतने देर से ये सब देख रहा था, वो वेन की आंखों में आंसू नहीं देख पाता और वेन के पास आता है, वेन की आंखों से आंसू पोंछता है और बोलता है, लव वेन, प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वेन छाऊ को देखता है, गुस्सा करता है और खुद से दूर धकेल देता है। झाऊ बहुत दूर जाकर गिरा था, सीधे दीवार पर झाऊ के सर पर चोट आ जाती है। जिन दौड़ कर जाता है झाऊ के पास, झाऊ को उठाता है, पूछता है, तुम ठीक हो ना जीशु? झाऊ हाँ बोलता है। वेन जोर से चिल्लाता है, मैं कोई वेन के सिंह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आशु नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ चिंचाओ का भाई हूँ, जिन झाऊ को सहारा देकर उठाया था। इस वक्त पर झाऊ के सिर के पीछे से हल्का सा खून आ रहा था। अब वेन चिंचाओ के पास जाता है, बच्चा मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। चिंचाओ दूर जाती है और बोलती है, नहीं आप दूर रहिए मुझसे, आप सबको हर्ट कर रहे हैं, आप मेरे भैया हो ही नहीं सकते। वेन चिंचाओ के जितना करीब जाता चिंचाओ उतना ही वेन से दूर जाती, सभी ये देख रहे थे। इस वक्त पर सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वेन बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है, एक पल में ही झाऊ के एकदम करीब आ जाता है। वेन इतने जल्दी झाऊ के पास गया था कि सभी हैरान हो जाते हैं। वेन झाऊ
के करीब जाते ही जिन को धकेल देता है और झाओ का गला दबाने लगता है। सभी हैरान हो जाते हैं। जिन तुरंत ही वेन को झाओ से दूर करने की कोशिश करता है, पर वेन झाओ को छोड़ ही नहीं रहा था और भी गुस्से से झाओ का गला दबाने लगता है। झाओ भी कोशिश करता है वेन का हाथ हटाने की, पर झाओ अभी खास रहा था और वेन की आँखों में देख रहा था। झाओ की आँखों से अभी हल्के आंसू बह रहे थे। उसे जो युआन के साथ था वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था और युआन को टाइट पकड़ा हुआ था, इतना टाइट कि उसी के नेल्स युआन के स्किन में गर रहे थे। ये भाई चिंचाओ को पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वेन की इस हरकत से चिंचाओ डर जाएंगी, इसलिए भाई ने चिंचाओ को पकड़ रखा था और वेन झाओ का गला दबा ही रहा था। झाओ बस वेन के आँखों में देख रहा था। इस वक्त पर वेन झाओ का गला दबा रहा था। वेन गुस्से से बोलता है और इस वक्त पर वेन की डबल वॉइस आ रही थी, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हारी वजह से मेरी बहन मेरे पास नहीं आ पा रही है। अब वेन झाओ का गला और भी टाइट दबाने लग जाता है। जिन छुड़वाने की कोशिश करता है, युआन भी आ जाता है छुड़वाने के लिए, पर वेन झाओ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी झाओ शांत हो जाता है, वेन को देखता रहता है, फिर झाओ अपना एक हाथ उठाता है, वेन के गालों पर रखता है और बोलता है, लाओ वेन, अपने आजू को पहचानो, अपने आप को पहचानो, खुद पर इसे काबू करने मत दो। इस वक्त पर जहाँ सभी परेशान थे, वो शी डर रहा था, जिन युआन वेन को छोड़ उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, भाई चिंचाओ को पकड़ कर रखा था, वही झाओ वेन के गालों पर हाथ रख कर उसे खुद पर काबू करने बोल रहा था। वेन जो गुस्से से झाओ का गला दबा ही रहा था, वेन अचानक से झाओ का गला छोड़ देता है और बोलता है, आजू आजू प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मुझे नहीं छोड़ रहा, आजू मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, आजू प्लीज़ कुछ करो। झाओ का जो गला इतने देर से दबाया जा रहा था, इस वक्त पर वो लाल हो चुका था, झाओ खांस रहा था। अब झाओ खांसते हुए वेन को पकड़ता है और बोलता है, हाँ हाँ लावेन, मैं हूँ, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना। इस वक्त पर सभी वेन झाओ को देख रहे थे। झाओ ने वेन का शोल्डर पकड़ रखा था, वही वेन ने झाओ का गाल, दोनों के आँखों में आंसू थे। अब झाओ वेन के शोल्डर से हाथ हटाता है, उसके गालों को पकड़ता है और उसके सर पर किस करने ही वाला ही रहता है। तभी वेन झाओ को खुद से दूर धकेल देता है और बोलता है, जाओ जिसु, तुम्हें तुम्हारा लाओ वेन कभी नहीं मिल सकेगा, मैं तुम्हारे लाओ वेन को तुम्हारे करीब कभी नहीं आने दूंगा, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मुझसे दूर है, वैसे ही तुम्हारा वेन तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। झाओ एक बार फिर दूर जा गिरा था। झाओ गिरा तो था, पर फिर भी वो वेन को ही देखा जा रहा था। वेन गुस्से से खड़ा था, फिर वेन सबकी तरफ पॉइंट करता है, झाओ युआन वुशी जिन बाई सबकी ओर एक एक करके पॉइंट करता है और बोलता है, तुम सबके कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ है जावेदसु, तुम्हारा ही मन था ना अपने दोस्तों के संग बाहर घूमना और एंजॉय करना, अगर तुम लोग उस रात को नहीं निकलते और उस रात को जिन का ध्यान ड्राइविंग से नहीं हटता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और मेरी मौत नहीं होती, जो मेरी बेचारी इकलौती बहन चिंचाओ है मैं उससे दूर नहीं होता, और जो जो उस प्रकार आज वो डर रही है, सहमी हुई है, वो सबके कारण तुम लोग हो। वेन की आवाज़ में जितना गुस्सा था उतना ही उसकी आंखें नम भी थी। इस वक्त पर बाई उशी को इशारे से अपने पास बुलाता है और चिंचाओ को संभालने बोलता है। उशी पास आता है, चिंचाओ रो भी रही थी और डरी हुई भी थी, उशी चिंचाओ को संभालता है। ये बाई वेन के पास फेस टू फेस
जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, शे तुम तो जा चुके थे ना, तुमने तो सबको माफ़ कर दिया था ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी बहन चिंचाओ का ख्याल रखूँगा और तुम मुझसे वादा लेकर यहाँ से चले गए थे, फिर तुम वापस क्यों आए हो? वेन गुस्से से बाई को देखा ही जा रहा था और बाई की बातें सुन रहा था। अब वेन सीधे ही बाई का गला एक हाथ से दबाने लगता है। इस वक्त पर वेन बहुत गुस्से में था और बाई का गला दबाते हुए उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया था। अब वेन उसी वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी बहन चंचाओ तुम्हारे साथ आखिर इतनी खुश कैसे है? जो समय मैं अपनी बहन से बता नहीं पाया वो तुम बता रहे हो, उसकी जो ज़रूरतें थीं जो मैं पूरी नहीं कर पाया वो तुम पूरी कर रहे हो, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मैं इसके लिए कभी कुछ नहीं था? भाई अपने दोनों हाथों से वेन का हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था और हल्का खांसते हुए, नहीं सीए, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी। बाई सिर्फ इतना ही बोल पाया था कि वेन और भी टाइट बाई का गला दबाने लगा। बाई का चेहरा लाल होने लगा। युआन जिन दोनों ही एक साथ बाई की मदद के लिए आते हैं। बाई वेन ना दोनों ही की और गुस्से से अपना जो वेन है वो हमारे युआन और जिन की ओर गुस्से से देखता है। बाई को एक साइड फेंक कर जिन और युआन का गला दबाने लगता है। वेन ने अपने दोनों हाथों से युआन जिन एक साथ हवा में उठा कर रखा हुआ था। हमारे युआन और जिन एक अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही सांस लेने की भी कोशिश कर रहे थे। वुशी ये सब देख कर घबरा जाता है। चिंचाओ को वही साइड सोफे पर जल्द में बिठा कर वहाँ से जल्दी में भागता है। वेन की ओर युआन चिल्लाता हुआ, वेन गुस्से से उशी की ओर देखता है। वेन की आंखें लाल और सिर के पास से हल्का चोट का निशान दिख रहा था। उशी बहुत घबरा जाता है, डर के युआन चिल्लाने लगता है। अब तब तक ये बाई और झाऊ भी उठते हैं। दोनों की हालत थोड़ी ख़राब थी पर फिर भी वो दोनों उठते हैं अपने दोनों दोस्तों को बचाने के लिए। विन जिन और युआन को एक साथ फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाता है, तुम सब में से मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो तुम सबका लड़ना बेकार है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ, तो मुझे अपनी बहन को ले जाने दो या तुम सब मरो। जाओ और ये भाई जो आ रहे थे रुक जाते हैं। उसी और भी घबरा जाता है। युआन और जिन खांसते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। चिंचाओ वेन की इतनी गुस्से वाली वॉइस से और भी डर जाती है। चिंचाओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चिंचाओ सोफे पर से उठती है और वेन के करीब जाने लगती है। बाई उसे रोकने की कोशिश करता है पर चिंचाओ ना में इशारा करती है और वेन के पास चली जाती है। वेन चिंचाओ के पास आते ही घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, चिंचाओ बेटा बच्चा, भाई आपसे दूर नहीं होना चाहते थे पर भाई क्या करते, ये भैया लोग की गाड़ी से भैया का एक्सीडेंट हुआ और मैं वही मर गया। बच्चा मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था। चिंचाओ के भी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बोलती हैं, भाई आप सबको इतनी चोट क्यों दे रहे हैं? भाई भाई तो मेरा ख्याल ही रखते हैं ना, तो आप उन्हें क्यों हर्ट कर रहे हैं? इन सभी भैया ने मेरा ख्याल ही तो रखा था ना, आपने तो खुद देखा था ना, आज सारे भैया ने कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, आपके सामने ही तो ये भैया लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, आप छोड़ दो ना भैया इनको। वेन चिंचाओ के गालों पर प्यार से हाथ रखता है और बोलता है, पर बच्चा भैया आपके साथ रहना चाहते हैं ना, भैया आपसे
बहुत प्यार करते हैं और भैया सिर्फ इनकी ही बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पास रहने के लिए। चिंचौ दूर हट जाती हैं और बोलती हैं, आप कब से ऐसा करने लगे भैया, ये तो गलत है ना। वो आप ही थे ना जिन्होंने मुझे सही और गलत में फ़र्क करना सिखाया था, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेन चिंचौ को गोद में उठा लेता है और बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी मौत इन सभी के कारण हुई, मैं तुमसे दूर हुआ। विन ने बहुत ही टाइट चिंचौ को पकड़ रखा था, चिंचौ को हर्ट हो रहा था। चिंचौ और दूर होने की कोशिश करती है और बोलती है, भाई छोड़िए, दर्द हो रहा है। पर विन चिंचौ को नहीं छोड़ता और बोलता है, बच्चा अपने भैया के साथ चलो, भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। चिंचौ जाना नहीं चाहती थी, रोने लगती है, मना करती है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। चिंचौ जो रो ही रही थी, भाई वेन के पीछे जाता है और बोलता है, रुक जाओ शिये। जाओ उसी भी जाते हैं, वेन जो जा ही रहा था तो पीछे मुड़ता है, जोर से चिल्लाता है और बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो मेरी बहन के साथ, वरना तुम सब मरोगे। उसी डर के रुक जाता है, पर भाई नहीं रुकता और पीछे जाता है। जिन और झाऊ साथ ही युआन भी पीछे जा रहे थे। वेन बहुत गुस्सा होता है और हवा में ही ऐसे इशारा करता है और दूर रहकर ही भाई को हवा में उछाल देता है। चिंचौ चिल्लाती है, भाई भाई, और जैसे तैसे करके वेन के गोद से उतर के बाई के पीछे जाती है। वेन चिंचौ के पीछे जाता है, पर सामने जिन आ जाता है। वेन जिन को गुस्से से उसके आँखों में देखता है, तो जिन को वही देखता है शेर जो जल्दबाजी में जंगल एरिए से हॉस्पिटल के लिए जल्दबाजी में जा रहा था। तभी जिन जो जीप को ड्राइव कर रहा था मस्ती के चक्कर में उसे नहीं देख पाता और एक्सीडेंट हो जाता है। जिन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। युआन जब वेन को रोकने जाता है तो अचानक ही वोशी के चिल्लाने की वॉइस आती है। युआन वोशी की ओर देखता है तो देखता है वोशी एक साइड नीचे गिरा हुआ था और खुद के गले को दबाया जा रहा था। वोशी खांसने लगता है, चिल्लाने लगता है, पर वोशी इतना तेज खुद का गला दबा रहा था कि वोशी ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। युआन वेन को छोड़कर वोशी के पीछे जाता है और वोशी को संभालने लगता है, पर उसे संभालना इतना भी आसान नहीं था। हमें इधर झाऊ को दिखाया जाता है, झाऊ जो वेन के ठीक सामने खड़ा था। वेन गुस्से से झाऊ को देखता है, झाऊ का गला एक हाथ से ही दबाते हुए उसे ऊपर उठा देता है। झाऊ खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, लावेन लावेन संभालो खुद को, खुद पर इसे काबू करने मत दो, लावेन देखो मैं तुम्हारा आजू हूँ। वेन बोलता है, तुम मेरे आजू नहीं हो, तुम खूनी हो मेरे, तुम खूनी हो, और झाऊ को एक साइड फेंक देता है। हमारा वेन जो है वो झाऊ को एक साइड फेंक देता है, झाऊ खांसने लगता है। सभी वही हॉल में इधर उधर थे, चिंचौ जो भाई के पास थी, युआन जो वोशी को संभाल रहा था, जिनकी भी हालत ख़राब थी। रात के 2 बज चुके थे, अभी अचानक ही हॉल में धुआं आने लगता है, बिल्कुल ही वाइट धुआं। सभी को एक पॉजिटिव एहसास होने लगता है। अभी उस धुएं में से हमें एक पर्सन को निकलता हुए दिखाया जाता है, जिसने प्रॉपर वाइट ड्रेस पहन रखा था, उस पर हल्का हल्का बादल का डिज़ाइन था, उसके सिर पर एंजल का ताज जैसा था, उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल थी, उसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि हर कोई उसके फेस पर देखा जाता। अभी वो पर्सन वेन के फेस टू फेस आ जाता है, वेन को शांति से देखता रहता है। इस वक्त पर वेन और वो पर्सन एक दूसरे के फेस टू फेस थे। अभी वो पर्सन वेन से बोलता है,
शेर, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था ना, ताकि तुम अपनी बहन से बात कर पाओ, उसके साथ टाइम बिता पाओ। पर तुम जो ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ सभी को हर्ट कर रहे हो। वेन उस पर्सन से थोड़ा घबरा जाता है, सिर नीचे करता है, घुटनों के बल बैठता है और बोलता है, मैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्या करता, ये लोग मुझे मेरी बहन से दूर रख रहे थे। अभी वो एंजल बोलता है, वो लोग तुम्हें चिंचाओं से दूर रख रहे हैं या तुम इस जावजू के प्यार को उससे दूर रख रहे हो और इन सभी को इतना हर्ट कर रहे हो। अभी मैं आप सभी को इस एंजल का नाम बता दूं, ये है हेवन लॉर्ड किंग। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अपनी बहन के साथ रहना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था, पर तुम तो यहाँ सभी को हर्ट कर रहे हो। वेन उठता है और बोलता है, तो मैं क्या करता बताइए, इन सब की वजह से ही मेरी मौत हुई है और ये सब खुश थे, और छिनछाव की जिन ज़रूरतों को मैं पूरी नहीं कर पाया वह ये भाई पूरी कर रहा था। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा मेरे खूनी के दोस्त के साथ खुश थी, ये मैं सहन नहीं कर सकता था और मैं ऐसी बात से बहुत गुस्सा था। एंजल बोलते हैं, तो इसमें विंझो की क्या गलती है शे, तुम इन दोनों को क्यों अलग रख रहे हो। शे बोलता है, क्योंकि मैं सिर्फ इस वेन की बॉडी का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि यह हूबहू मेरे जैसा दिखता है। तो आप बताइए मैं और क्या करता, मेरे माता पिता के जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके छिनछाव की परवरिश की थी। मेरे माता पिता की मौत तब हुई थी जब छिनछाव से 3 साल की थी, तो इसे तो यह पता भी नहीं था कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने सपनों को भी छोड़ना पड़ा, मेरा सपना था कि मैं एक शायर बनूं, बट मुझे अपना सपना सिर्फ अपनी बहन के लिए छोड़ना पड़ा। मुझे डर था कि जैसे मैंने अपने मम्मी पापा को खोया है, उसी तरह मैं अपनी बहन छिनछाव को ना खो दूं। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी बहन छिनछाव को पाल पोस कर बड़ा करा है, लेकिन एक दिन इसे यह पता चल गया कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, और उस दिन मेरी बहन बेहोश हो गई। सभी इस वक्त पर वेन की बातें सुन रहे थे, सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी बहन को उठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल में पता चलता है मुझे कि इसी किडनी में पानी भर गया है और ये सिर्फ ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पैसे को लेने के लिए घर गया था, लेकिन मुझे वापस आने में बहुत देरी हो रही थी, तो इसलिए मैंने जंगल का रास्ता चुना ताकि मैं अपनी बहन के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। और उसी समय इनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं उसी समय वहां पर मर गया। इन सब की वजह से मैं अपनी छिनछाव का प्यारा सा चेहरा देख भी नहीं पाया, ना उसे अपना प्यार दे पाया, और सिर्फ इन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि ये भाई मेरी बहन छिनछाव का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी मैं इन दोनों को बैठा हुआ देखता था तो मुझे बहुत जलन होती थी, क्योंकि मैं भी अपनी बहन के संग खेलना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन मुझ पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि मैं अपनी बहन को समय नहीं दे पा रहा था। और एक दिन अचानक मैं उसे छोड़कर चला गया। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करता, मुझे सिर्फ अपनी बहन के संग कुछ पल बिताने थे, इसलिए मैंने बहन और झाव को अलग कर दिया। तो बताइए मैंने क्या गलत करा, और अब मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम में से किसी ने भी कुछ भी करने का प्रयास करा तो मैं तुम सबको यहीं पर मार दूंगा। एंजल बोलता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें ऐसा लगता है शे, तो तुम गलत हो। मैंने तुम्हें जो वक्त दिया था वो पूरा हो चुका है, तो तुम चलो यहाँ से। शे दूर हटता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मेरी बहन को छोड़कर मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इस वक्त पर लॉर्ड एक रस्सी निकालते हैं जो बिल्कुल ही वाइट थी। लॉर्ड सीए पर वो रस्सी को फेंक देते हैं। जैसे ही वो रस्सी उसके ऊपर आती है, वेन तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, छाऊ ये नहीं देख पाता। भले ही इस वक्त पर शे तड़प रहा था, पर बॉडी तो वेन की ही थी। छाऊ के
लाओ वैन की, झाऊ जैसे तैसे करके वैन के तक पहुंच जाता है, वैन तक पहुंच जाता है और उसे गले लगा लेता है। वैन को बहुत दर्द हो रहा था, वैन दर्द से चिल्लाया जा रहा था। झाऊ वैन को काम करने की कोशिश कर रहा था। अभी अचानक ही वैन की बॉडी ऊपर जाने लगती है। लाइक इमेजिन करिए आप सभी, हमारे वैन की बॉडी जो कि ऊपर जा रही है हवा में फ्लॉट करते हुए, और झाऊ ने वैन को गले लगा कर रखा था तो वो भी वैन के साथ ही हवा में ऊपर। अभी धीरे धीरे वैन और झाऊ एक साथ हवा में गोल घूमने लगते हैं। अभी सभी के सभी उन्हें देख रहे थे। अभी वैन अपना फेस ऊपर करता है, दर्द से चिल्लाता है। अब वैन के मुंह से हल्का सा काला और हल्का सा सफ़ेद धुआँ निकलता है। वैन और भी दर्द से चिल्लाने लगता है। अब वो जो धुआँ था वो पूरा निकल जाता है और उस रस्सी में कैद हो जाता है। वो धुआँ से की आत्मा थी। वैन झाऊ एक साथ ही नीचे आते हैं। वैन बहुत कमज़ोर हो गया था, साथ ही बेहोश भी। झाऊ ने वैन को अपने गोद में लेता रखा था। झाऊ के आँखों से आंसू बह रहे थे। ये भाई चिंचाओ ओशी युआन जिन अभी झाऊ के पास आ गए थे, लॉर्ड वही खड़े थे। वैन के ऊपर से वो रस्सी ले लेते हैं और सभी से बोलते हैं, माफ़ करना बच्चों, अगर मैं इसे यहाँ आने की इजाज़त नहीं देता तो शायद ये सब नहीं होता। फिर चिंचाओ की ओर देखते हैं, उसके गालों पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे भाई जा चुके हैं बेटा, सिर्फ ये भाई है तुम्हारे भाई। और उसके सिर पर हाथ रफ करते हैं, फिर सभी की ओर देखते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी हमारे जो एंजल हैं, जो हूबहू किंग जैसे दिखते हैं, वो जा चुके हैं ठीक वैसे ही जैसे आए थे। फिर से धुआं आने लगता है, धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं। अब सीन कट होता है हॉस्पिटल में, जहां हमारा वैन था इस वक्त पर वैन को ड्रिप लगी हुई थी। वैन अभी बेहोश था। झाऊ युआन वुशी बाई जिन सभी अपना चेकअप करवा लिए थे और इस वक्त पर वैन जिस रूम में था उस रूम के बाहर सभी झाऊ के पास बैठे थे। बाई के गोद में चिंचाओ सो चुकी थी। झाऊ बस वैन के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। उसी युआन के कंधों पर सर रखा था और इस वक्त पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जिन झाऊ को दिलासा दे रहा था। अब सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। वैन को होश आ चुका था, सभी वैन के पास खड़े थे। वैन अपनी आंखें खोलकर सभी को देख रहा था। झाऊ सामने ही था इस वक्त पर, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वैन झाऊ को देखता है और आश बोलता है। झाऊ वैन के पास जाता है। वैन अपना एक हाथ झाऊ की ओर बढ़ाता है। झाऊ वैन के हाथ को पकड़कर अपने गालों पर रख देता है और अपने गालों से ही वैन का हाथ सहला रहा था। वैन झाऊ दोनों की आंखों में आंसू थे। जिन वुशी युआन ये भाई चिंचाओ दोनों को देख रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है 2 हफ्ते के बाद। वैन झाऊ घर आ चुके थे। भाई चिंचाओ के साथ झाऊ जहाँ रहता था वही था। जिन वुशी और युआन के साथ उनके शादी के बारे में बातें कर रहे थे। इस वक्त पर वुशी युआन की शादी को रोक दिया गया था उस रात जो कुछ भी हुआ था उस वजह से। फिर भाई अभी चिंचाओ को एक बॉल में पास्ता लेकर खिला रहा था। झाऊ अभी वैन का ख्याल रख रहा था। भले ही 2 हफ्ते बीत गए थे पर वैन अभी भी कमज़ोर था। अब अचानक ही डोरबेल बजती है। हमारा भाई उठता है और दरवाज़ा खोलने जाता है। अब भाई जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ से एक पर्सन बोलता हुआ आता है, हेलो सर, मैं आपका न्यू नेबर हूँ, यहाँ आपसे मिलने आया था। अभी वो पर्सन इतना ज़्यादा बोल रहा था
और बाई पर ध्यान नहीं दे रहा था तो उसका जो ध्यान ही नहीं जाता है तो वो गिर जाता है। बाई उसे पकड़ लेता है। वो पर्सन नीचे से बाई को देख रहा था और बाई उसे देख रहा था और सभी इन दोनों को देख रहे थे। ये और कोई नहीं, मतलब ये जो पर्सन था वो हूबहू हेवन लॉर्ड किंग जैसा दिख रहा था और ये जैसे वैसे दिख रहा था। सभी इन दोनों को देखने लग जाते हैं, सभी उस पर्सन को भी देखने लगते हैं जो हूबहू हेवन लॉर्ड किंग जैसा दिखता था। भाई भी उसे देखा जा रहा था, उसे वो जो हेवन लॉर्ड के चेहरे पर वो जो शांति थी वो इसके चेहरे पर शांति तो थी ही नहीं, ये थोड़ा चुलबुला लग रहा था। और ये स्टोरी अभी ख़त्म होती है, फिनिश। गलत जगह पर रुक दी हूँ ना, जानती हूँ दोस्तों मैंने गलत जगह पर रुकी हूँ, क्योंकि अब इसका आने वाला एक स्पेशल पार्ट, आप सभी वेट कीजिएगा क्योंकि अब मैं इस वन नाइट विज में शेलिंग के सीजन 2 का एक स्पेशल पार्ट लाने वाली हूँ, जिसमें हमारे वुशी और योहान का शादी होने वाला है और हमारे हेवन लॉर्ड के जैसे जो दिखता है हूबहू उसका भी कुछ होने वाला है। तो इंतज़ार कीजिएगा। अभी मेरे इस फैन फिक्शन के एक न्यू और स्पेशल पार्ट का, तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। और बस और क्या ही मैं बोलूँ आप सभी को, क्योंकि आप तो हो ही इतने प्यारे कि लाइक कमेंट कर ही देते हो, शेयर भी कर देते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय बिंझों।